ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दिल्ली का जहांगीरपुरी क्षेत्र जो आज होर्डिंग और बैनर से पटा पड़ा है। मामला है दिल्ली सरकार या यूं कहें कि केजरीवाल सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जुड़े सड़कों और नाले का। दिल्ली दर्पण टीवी की पड़ताल में पता चला कि जहांगीरपुरी के आईटीआई झुग्गियों के बाहर जो पीडब्ल्यूडी का नाला है उसकी सफाई नहीं कराई जा रही, जिसकी वजह से झुग्गियों की नाली की सफाई नहीं हो पाती। आलम यह है कि झुग्गियों में रहने वाले हजारों लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी के ब्लॉक आईटीआई की झुग्गियों में, जहां पर लोगों को काफी परेशानी आ रही है। इनके नाले जो है वो काफी जाम रहते हैं और हमेशा इनमें पानी लगा रहता है। उसका कारण ये है कि बाहर सड़क से जो पीडब्ल्यूडी का नाला गुजर रहा है उसकी सफाई पीडब्ल्यूडी ने काफी समय से नहीं करवाई है, और सुबह लगभग इस पूरे कॉलोनी में तालाब जैसा दृश्य होता है। यहाँ के लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सुबह क्या यहाँ पर नजारा होता है उसके बारे में? सुबह तो भैया पूरा पानी भरा हुआ रहता है एकदम से, पूरे हम पानी डूब डूब के पानी भरते हैं रोज डेली, पीने के लिए भी पानी इसी में से लेके जाते हैं, और खाना बनाते हैं तो फिर पैर में लग लग के वही पानी पूरे घर में जाता। हमारे बच्चे बीमार हैं, घर वाला बीमार है, तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे? पूरे घर में पानी हलता है। ये विधायक जी के पास हम गए थे, वहाँ गए तो वो बोले कि अजेश यादव करेंगे, वहाँ गए तो ये बोले कि वो करेंगे, ऐसे ऐसे होता भैया, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं हमारी। हम एक हफ्ते से नहीं, पूरे एक महीना हो गया दौड़ते दौड़ते, हम एक महीने से दौड़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है। हमें ये परेशानी है, जब शाम सवेरे पानी आता है तो ये सारा पानी हमारे घरों में जाता है, और छोटी छोटी तो गलियाँ हैं और घर भी छोटे छोटे हैं, तो वहीं हम खाना बनाते हैं, वहीं हमारा ये नाली का पानी हमारे घर में घुसता है। तो बताओ अब कैसे हम रहें, परेशानी लेके जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इस टाइम मेरा लड़का खुद ही बीमार, स्थिति बहुत खराब, माँ बीमार, रात भर मैं जगजीवन में लेकर आया, इसके बाद अम्बेडकर माँ भी लेके आया हूँ, अभी लेके आया हूँ लड़के को। हाँ, यहाँ पर लोग अपनी समस्या खुद ही बता रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पे सुबह दृश्य होता है। काफी लोग यहाँ पे बीमार भी पड़ते हैं और बच्चे भी बीमार पड़ते रहते हैं, ये आम बात है। यहाँ पे डेंगू, टाइफाइड और मलेरिया जैसी बीमारियाँ जो है वो आम बात है। हमारे साथ यहाँ पे अश्विनी बागड़ी जी मौजूद हैं, पार्षद पति हैं, कांग्रेस नेता हैं। बागड़ी जी, ये जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही है, इसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, इस चीज़ के लिए जब से मैं निगम पार्षद बना हूँ तब से मैं निरंतर हर महीने केजरीवाल को लेटर लिख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, जो पीडब्ल्यूडी के नाले हैं ये इतनी बुरी तरह भरे हुए हैं कि इस झुग्गी की पानी का निकासी वहाँ तक नहीं हो पा रहा है। जो झुग्गी के नाले वहाँ तक जा रहा है, नाले का पानी ऊपर है नीचे है, और उसका पीडब्ल्यूडी के नाले का पानी ऊपर है, कई बार वो बैक भी मारता है। और इस चीज़ को लेकर के दुखी होकर के हम 15 तारीख को धरना दे रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ कि बाहर के नालों को साफ करें, जिससे हम झुग्गी के अंदर नालियों की सफाई करा सकें और इनको बीमारियों से मुक्त करा सकें। जहां केजरीवाल एक तरफ ही राजनीति करते हैं कि जी हम तो दो मिनट में सब कुछ करने को तैयार हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं, ये नाले में एमसीडी को दे दिए जाएं तो हम साफ करा दें। आज दुख की बात ये है कि नाली हमारे हाथ में, नाले उनके हाथ में, और आज दिल्ली सरकार और एमसीडी की लड़ाई के बीच में ये झुग्गी वाले पिस रहे हैं, बीमार ये हो रहे हैं, दुखी ये हो रहे हैं। ये लोग हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं नाले उनके पास हैं, और अपनी गंदी राजनीति के चक्कर में आम आदमी पार्टी के विधायक नाले को जाम कर देते हैं, जिससे नाली में पानी भरे और जनता में आक्रोश रहे। ये गंदी राजनीति चल रही है, और इस राजनीति का जवाब देने के लिए ही पूरी जहांगीरपुरी के लोग 15 तारीख को केजरीवाल का पुतला जला रहे हैं, जिससे बाहर के नाले को साफ कराया जा सके। आनन फानन में यहाँ सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन भी किया गया और हजारों रुपए खर्च कर जगह जगह होर्डिंग बैनर भी लगाए गए। लेकिन पीडब्ल्यूडी की जाम और गंदी पड़ी नालियों का क्या होगा, इसका जवाब यहां की जनता अब भी तलाश कर रही है। इस वक्त मैं जहांगीरपुरी के बैंक चौक पे खड़ा हूं। आप मेरे पीछे, मेरे दाहिने, बाएं और आगे, अगर आप अभी जहांगीरपुरी के बैंक चौक पर आएंगे तो आप देखेंगे कि चारों तरफ होर्डिंग, पोस्टर और बैनरों से पटा हुआ है जहांगीरपुरी का ये बैंक चौक, जहां पर आज विधायक आए थे, उन्होंने पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया है। यहां पर सड़क का निर्माण शुरू किया जाएगा ऐसा उनका कहना है, और दिवाली के तोहफे के रूप में उन्होंने ये जनता को सौगात देने की बात कही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद
अगर वो जहांगीरपुरी के आईटीआई के झुग्गियों में एक बार चले जाते और वहाँ की स्थिति देख लेते, और उसके बाहर जो पीडब्ल्यूडी की नालियाँ हैं, वहाँ जो जाम पड़ा हुआ है नाली और उसकी वजह से जो समस्याएं सामने आ रही हैं, अगर वो उस पर भी ध्यान देते तो शायद वो दिवाली का बड़ा सौगात माना जा सकता था, क्योंकि उसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊँगा बैंक चौक की, कि अगर बैंक चौक पर सड़क का उद्घाटन, सड़क के निर्माण का उद्घाटन अगर वो करने आए थे तो ये नालियाँ भी देख सकते थे, जो कि पीडब्ल्यूडी की नाली है। और आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पूरा का पूरा नाली जो है, ये नाला जाम पड़ा हुआ है। इस नाले की सफाई जो है वो पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है, उसके सामने कूड़ा करकट और पूरा का पूरा नाला जो है वो चौक है। तो इस स्थिति को, तो मतलब ये एक विडंबना वाली स्थिति है कि सड़क निर्माण का उद्घाटन हो जाता है, दिवाली की सौगात उसको करार दिया जाता है और हज़ारों रुपयों को खर्च करके होर्डिंग बैनर और पोस्टर लगवाए जाते हैं, जनता को दिवाली का तोहफा दिया जाता है, लेकिन उस गरीब जनता को पीडब्ल्यूडी के नाले को क्लियर करा के अगर उनकी नालियां साफ हो जाए तो शायद उनकी भी दिवाली रंगीन हो सकती है। इस पर ध्यान शायद विधायक जी का नहीं जाता है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग उनका कोई जवाब आता नहीं है। जनता से अभी हमने बात की, आपने खुद देखा कि उन्होंने कहा कि वो कई बार विधायक के ऑफिस के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। कार्रवाई तो दूर की बात है। तो दोनों स्थितियाँ आपके सामने है, फैसला जनता का होगा। अब कांग्रेस नेता अश्विनी बागड़ी और उनकी निगम पार्षद पत्नी पूनम बागड़ी केजरीवाल सरकार के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें केजरीवाल के एक विशाल पुतले का दहन भी किया जाना है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जनता में फैल रहे रोष को आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद कैसे शांत कर पाते हैं, या कर भी पाते हैं या नहीं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए सोनू के साथ अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर